हेलो गाइस, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीवीटी, एससीवीटी और डुअल सिस्टम यानी कि डीएसटी क्या होता है। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कहीं पर जॉब लेने जाते हैं तो आपकी मार्कशीट पर यह देखा जाता है कि आपने किस ट्रेड से और किस विभाग से आपने आईटीआई की है। आपने एसबीटी से आईटीआई की है, एनसीबीटी से की है या फिर डीएसटी से की है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि आखिर क्या होता है एनसीबीटी, क्या होता है एसबीटी, क्या होता है और डीएसटी क्या होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों एनसीबीटी, जिसे हम नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो कि हमारे एक नेशनल लेवल पर काम करती है। आप सभी जानते हैं जो भी नेशनल पर काम करते हैं, राष्ट्रीय विभाग पर काम करते हैं, तो जॉब भी ज़्यादातर मिलती हैं। अगर हम बात करें रेलवे की तो रेलवे सबसे ज़्यादा आईटीआई स्टूडेंट को जॉब देती है, पर यहाँ पर नेशनल यानी कि एनसीबीटी और एससीबीटी में कोई फर्क नहीं देखा जाता है। पर अगर आप किसी कोई प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जॉब देने से पहले आपकी मार्कशीट देखी जाती है, जिस पर अगर आपने एनसीबीटी से की है तो आपको जॉब मिल जाती है, नहीं तो आपको भटकना पड़ता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एससीबीटी। एससीबीटी का मतलब होता है स्टेट लेवल काउंसलिंग वोकेशनल फॉर ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट होती है ये एक स्टेट लेवल पर ही काम करती है। अगर आपने हरियाणा से आपने आईटीआई की है और एससीबीटी से की है तो आपकी मार्कशीट सिर्फ हरियाणा के अंदर ही काम करेगी। इसके बाद अगर आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा एससीबीटी के मुकाबले। एससीबीटी यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देती है, आपको एनसीबीटी से आईटीआई करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों डीएसटी। अब ये डीएसटी क्या है, ये कुछ साल पहले से ही चलाया गया एक यानी कि ट्रेड है, और या फिर कहें कि एक कोर्स है, जिसमें हम आपको बहुत सारे ट्रेड देते हैं, जैसे कि नॉर्मल ट्रेड होती है, पर यहाँ पर आपको बोला जाता है कि ये डीएसटी है। अब ये डीएसटी क्या है, क्यों बनाया गया है, तो डीएसटी का मतलब है डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपको डुअल सिस्टम चलाया जाता है। अब ये डुअल सिस्टम किस तरह से काम करता है, जब भी आप एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई 6 साल का 6 महीने का एडमिशन लिया, तो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए आपको कंपनी में वर्क करना होगा, यानी कि एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये आपको मैं एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अगर आपके पास 1 साल का कोई कोर्स है तो यहाँ पर आपको 6 महीने यानी कि 6 महीने का काम आपको आईटीआई में पढ़ाई करनी होगी और 6 महीना आपको यानी कि इंडस्ट्रियल में वर्क करना होगा, जिसे हम एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं। इसके बाद आपको अप्रेंटिस करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप पहले से ही पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। और अगर 2 महीने 2 साल का आपने कोर्स किया है, उसमें आपको करीबन 1 साल का वक्त यानी कि कंपनी में देना होता है। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी में जब आप काम करते हैं तो क्या आपको यहाँ पर कोई स्टाइफंड यानी कि सैलरी भी दी जाती है या नहीं दी जाती है। दोस्तों इसमें फायदा आपको ये है कि अगर आप कोई गरीब घर से बच्चा है तो आप पढ़ाई के साथ यहाँ पर आप कंपनी में काम करके पैसा भी कमा सकते हैं, साथ में आपको यानी कि मार्कशीट भी मिलती है। डुअल सिस्टम में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, तो यहाँ पर करीबन 6 से 8 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये एक गाइडलाइन के हिसाब से मिलती है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों में से कौन सा बेस्ट होता है। तो दोस्तों एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों एक कोर्स अवेलेबल कराते हैं, पर डीएसटी के अंदर आपको सिर्फ ये यानी कि पैसा कमाने का और आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है। अब बात करेंगे कि इसमें से आपको कौन सा चॉइस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीबीटी को ज़्यादातर यूज करें। एनसीबीटी से आपको कई तरह के फायदे हो जाते हैं। एक तो आप जब भी कहीं पर जॉब पर जाते हैं लगने के लिए, तो आपको अच्छा प्रीफरेंस मिलता है, यानी कि जल्दी जॉब मिलने के चांस हो जाते हैं। एससीबीटी में ऐसा नहीं है। दूसरा है एससीबीटी। एससीबीटी में भी ऐसी कोई खास परेशानी तो है नहीं है, पर यहाँ पर ये स्टेट लेवल पर काम करती है। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो जॉब के लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। तीसरा है डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम में आपको बहुत सारी ट्रेड मिल जाती हैं। इसमें आपको यही फायदा है कि आपको पढ़ाई के दौरान पैसा मिल जाता है और आपको दो इसके बाद एक्सपीरियंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, जिससे कि आपको कंपनी में जॉब मिलना आसान हो जाता है और अच्छी ज़्यादा सैलरी भी मिल जाती है। जैसे कि अगर आप एनसीबीटी एससीबीटी से कोर्स करते हैं, इसके बाद आपको अप्रेंटिस या फिर कंपनी में किसी को जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना होता है, जो कि डुअल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। और सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप एनसीबीटी से करें, क्योंकि एनसीबीटी का एक एनसीबीटी एमएस पोर्टल भी बना दिया गया है, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपनी मार्कशीट भी कभी भी निकाल सकते हैं।
रोल नंबर वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं, एडमिट कार्ड भी, तो सारा डाटा आपका ऑनलाइन कर दिया गया है। जबकि SCVT में अभी इसी इसी तरह का कोई भी यानी कि वेबसाइट नहीं बनाई गई है, ना ही आपका कोई डाटा ऑनलाइन किया गया है। तो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।